आगामी पर्व त्योहार को लेकर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें दीपावली और छठ महापर्व पर दूर दराज से परिवार के साथ त्योहार मनाने आए यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ, जीआरपी और कमर्शियल की टीम ने रेलवे के शुभंकर भोलू गार्ड के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया। आरपीएफ इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि त्योहारों में रेलवे स्टेशन पर कई तरह के अपराधी सतर्क हो जाते हैं और बाहर से आए यात्रियों को निशाना बनाते हैं। उन्हें यात्रियों को सतर्क करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। जैसा कि इंस्पेक्टर साहब ने आपको बताया, ये दीपावली और छठ पर्व में जो दूर दराज से यात्री आते हैं, निश्चित रूप से उनके साथ नशा खुरानी गिरोह द्वारा या फिर तरह तरह के मोबाइल झपट्टा मारों के द्वारा, चोर उचक्कों के द्वारा छीना झपटी का कार्य किया जाता है। इसी क्रम में इंस्पेक्टर साहब के द्वारा और वरीय अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में तरह तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें उनके साथ कुछ इस तरह की अप्रिय घटना न हो, ये सब देखा जा रहा है। इसी क्रम में हम लोगों में, जैसा कि आप जानते हैं कि भोलू गार्ड जो रेलवे के शुभंकर के रूप में हैं, इन्हीं के माध्यम से हम लोग जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं कि पावदान पर यात्रा न करें, चाहे इधर उधर पड़े हुए सामान को हाथ न लगाए, किसी या अन्य अनजान यात्री के द्वारा दिए गए सामान को खाए पिए नहीं। इसी क्रम में तरह तरह के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।